नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में आपका। कंपेयर करते हैं MG Aster के लोअर दो वेरिएंट्स को, बेस स्प्रिंट और बेस से ऊपर शाइन वेरिएंट। तकरीबन 1,70,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। वैल्यू कौन सा वेरिएंट ज्यादा क्रिएट करता है, वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहली चीज ये है दोस्तों, क्या 11 लाख से 13 लाख के बजट में कोई गाड़ियां मार्केट में देख रहे हैं तो ये गाड़ी क्या चीजों के ऊपर खरी उतरती है, यही उद्देश्य रहेगा वीडियो को हमारा बनाने का। तो पूरी जानकारी देंगे आपको, अंत वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका स्प्रिंट वेरिएंट, ये आपका शाइन वेरिएंट दोस्तों। तो स्प्रिंट वेरिएंट उसकी एक्शन कीमत रखी गई 9,98,000 रुपये और शाइन वेरिएंट के 11,68,000 रुपये। तो सबसे पहले इंजन की बात करते हैं। 1500cc का 4-cylinder इंजन मिलता है जो 110 bhp पावर बनाता है और 144 Nm की टॉर्क रहती है। ऑन पेपर एट पार है दोस्तों, कंपटीशन के हिसाब से जो पावर फिगर है और माइलेज क्लेम किया जाता है 15.5 किलोमीटर प्रति लीटर का। बाकी जो फील गुड फैक्टर है, जो प्रीमियम है, सेगमेंट में दूसरी कोई भी गाड़ी आपको इतना ऑफर करके नहीं देती है। और ये बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सबसे प्रीमियम गाड़ी दोस्तों अपनी सेगमेंट की ये। बाकी चीज़ें क्या हैं और नज़दीक से एक्सप्लोर करते हैं। अब फ्रंट लुक देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देगा आपको, बेस मॉडल लीजिए या बेस से ऊपर वाले लीजिए। जो एकमात्र फर्क है दोस्तों वो क्या है, फॉग लैंप का। आपको जो शाइन वेरिएंट है उसमें फॉग लैंप मिलते हैं हैलोजन के तौर पे, जिनके साथ आपको कॉर्नरिंग इफेक्ट मिलता है। अब ये जो कॉर्नरिंग इफेक्ट है, ये इसका रोल क्या रहता है, जब हिल स्टेशन वगैरह पे या शार्पन वगैरह आप लेंगे ना तो साइड में जो लाइटें हो तो सामने चीज़ें दिखा रही हैं, लेकिन कई बार राइट साइड में थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी पड़ती हैं कुछ ट्रिकी सिचुएशन में, तो वहाँ पर ये फॉग लैंप आपको असिस्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। बाकी सेलेस्टियल शेप की जो मेन ग्रिल है MG के लोगों के साथ, वो सेम टू सेम मिलेगी। क्रोम वगैरह का इस्तेमाल उसमें सेम तरीके से किया गया है। नीचे स्लिप रिंग्स के साथ स्किड प्लेट है, हालांकि अभी रैप लगा हुआ है तो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। अच्छा खासा कटआउट है रेडिएटर की कूलिंग के लिए। आप इसकी प्रीमियमनेस देखिए कितनी शानदार है दोस्तों। बाय फंक्शनल आपको LED हेडलाइट मिलते हैं, ये बेसमेंट से मिल रहे हैं। ये LED ही आपको इंडिकेटर मिलते हैं, उसी के साथ इंडिकेट किए गए मेन हेडलाइट में। ये आपका DRL रहेगा, ये देख लीजिए दोनों गाड़ियों में सेम टू सेम कितने बेहतरीन तरीके से चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बेस मॉडल में आपको 16 इंच के स्टीले मिलते हैं कवर के साथ, वहीं आपका 17 इंच के एलॉय व्हील मिलने लग जाते हैं आपको शाइन वेरिएंट से। 1,70,000 रुपये में सबसे बड़ा डिफरेंस जो देखने मिलेगा आपको एलॉय व्हील का है और रेडियल साइज का दोस्तों, 1 इंच बड़े भी हैं। और ऐसे सिल्वर मल्टी स्पोक एलॉय व्हील मिलते हैं आपको 215/55R17, थोड़ा सा प्रोफाइल साइड बाउंड्री की थिकनेस कम है इसके मुकाबले। यहाँ पर इसका कुशनिंग, हालांकि इसकी राइड क्वालिटी अपने आप में ही शानदार है, लेकिन इस साइड बाउंड्री से थोड़ी सी कुशनिंग और बेटर हो जाती है दोस्तों। 215/60% रहेगी R16, तो ये साइड बाउंड्री मैंने बताई दी, थोड़ी सी ज़्यादा देखने मिलती है आपको। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, 205 mm की बहुत शानदार ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों। सेगमेंट में सबसे बेस्ट नहीं है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जरूर। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से गाड़ी का ऑलमोस्ट नीचे से एक एंड से दूसरे एंड तक देख सकते हैं, बिजनेस की ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलती है आपको। जो ये गाड़ी की बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं है, लेंथ नहीं है, तो आप स्ट्रेट लाइन में फुल सिटिंग होने के बाद भी गाड़ी को ब्रेकर वगैरह छोटे मोटे गड्ढे को क्रॉस कर सकते हैं। ये बीडिंग कितने अच्छे तरीके से रखी है या क्लैडिंग जिसे बोलते हैं, तो गाड़ी को प्रोटेक्ट भी करती है और एक अच्छा स्टांस भी देती है। बेस मॉडल से आपको ORVM के ऊपर इंडिकेटर मिलते हैं, यहाँ पर हेलोजन बल्ब के तौर पे काम कर रहे हैं और शाइन वेरिएंट में भी हेलोजन बल्ब के तौर पे काम करते हैं। LED नहीं है दोस्तों लेकिन ORVM के ऊपर जरूर दिए गए हैं। बेस मॉडल से आप देखिए विंडो लाइनिंग क्रोम फिनिशिंग के साथ मिलती है आपको और यहाँ पर मिल रही है, और डोर ओपनिंग हैंडल भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए तो बोल रहे हैं कि तहलका मचा के रख रखा है Aster ने बेस मॉडल का, जो एक स्टैंडर्ड ऐसे सेट किया कि बाकी कंपनियों की नींद हराम होने के बाद उन्होंने अपने बेस मॉडल से काफी सारे फीचर देने शुरू किए हैं। तो ट्रेंड सेटर कौन है, MG Aster। रूफ रेल नहीं मिलती है आपको बेस मॉडल में, जो कि यहाँ पे फंक्शनल रूफ रेल मिलेंगी। 50 kg तक का लोड आप कैरियर के माध्यम से इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। पीछे तरफ आते हैं, बेस मॉडल से आपको शार्क एंटीना मिलता है, देखिए ये एक अच्छी चीज है। बेस मॉडल से आपको वाइपर वाशर डिफोगर मिल रहे हैं, देखिए बेस मॉडल आपका वाइपर भी है वाशर भी है और साथ में डिफोगर लाइनें जो है डिफोगर की हैं। और यहाँ पर क्या चीज़ कुछ अलग है, यहाँ पर भी वाइपर वाशर वगैरह डिफोगर वगैरह सभी चीज़ें देखने को मिल रही हैं आपको। ये जो वेरिएंट है इसमें आप देखिए LED का इस्तेमाल किया गया टेल लाइटों में शाइन वेरिएंट में, जो कि आपका पूरे तरीके से हैलोजन रहेगा। स्प्रिंट वेरिएंट में ईगल पीक शेप की लाइटों का डिजाइन दिया गया है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन हैलोजन नहीं सब कुछ मिलता है आपको बेस मॉडल में, और यहाँ पर LED मिलता है थोड़ा सा अप मार्केट फील कराएगा दोस्तों। बाकी और चीज़ें क्या हैं, पीछे पार्किंग सेंसर वगैरह कैमरा भी मिलता है आपको शाइन वेरिएंट में, तो ये चीज़ अच्छी है। ये चीज़ें आपको कैमरा को छोड़ दें, बाकी चीज़ें सारी मिल रही हैं आपको। देखिए कैमरा नहीं मिलेगा स्प्रिंट में, बाकी कितने बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेट किया गया बम्पर के अंदर सेंसर वगैरह, ये क्रोम का इस्तेमाल फेक एग्जॉस्ट पे कितने अच्छे तरीके से दिया गया है। ये बेस मॉडल है दोस्तों, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, लगेगा ही नहीं कहीं से आपको बेस मॉडल इतने अच्छे तरीके से चीज़ें दी गई हैं इसमें।
जो फुल टैंक है 48 लीटर का मिलता है दोस्तों, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ अगर टर्बो लेते हैं तो 45 लीटर का मिलता है आपको। तो 48 लीटर का फ्यूल टैंक, 15-16 की माइलेज, तो ओवरऑल जो एक बोलते हैं ना पूरा आपको लंबी दूरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने हैं तो ये अच्छी खासी रेंज मिल जाती है दोस्तों, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अब देखते हैं बूट स्पेस, 448 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको, बड़े अच्छे तरीके से ओपन कर सकते हैं आप। ये फ्लैप में बटन दिया गया है, इसकी शुरुआत पोलो ने की थी, बिल्कुल पोलो ने इसकी शुरुआत की थी, अच्छा फील होता है। तो बेस मॉडल में आपको पार्सल ट्रे नहीं मिल रही है, पहली चीज़। अच्छी चीज़ जो दिखाई दे रही है 60-40 स्प्लिट मिलता है आपको, ये बड़ी बेहतरीन चीज़, जैसे प्रैक्टिकलिटी और बेहतर हो जाती है। बूट लाइट मिल रही है आपको बेस मॉडल से ही, लोडिंग लिफ्ट भी ज़्यादा नहीं है, डेप्थ है कुछ एसेसरी वगैरह रखने के लिए। और इस बोर्ड की थिकनेस देखिए आप कितनी शानदार है, अच्छा खासा लोड ले सकता है ये। और जो बेस मॉडल है उसमें जो टायर एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल का मिलता है दोस्तों जो रेगुलर टायर है, तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग बिल्कुल भी नहीं की है एमजी ने। तो किसी एक टायर में आपकी दिक्कत आ जाती है रनिंग के समय पे, तो इस टायर को आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं या लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं जब तक इसकी लाइफ है। पार्सल ट्रे आपको शाइन वेरिएंट में नहीं मिल रही है, एज एन एसेसरी आपको परचेज करनी पड़ेगी। 60-40 स्प्लिट यहाँ पे मिल रहा है, बूट लाइट यहाँ पर भी मिल रही है आपको। और इसका देखते हैं, हाँ यहाँ बात फर्क पड़ती है, सभी कंपनी ऐसा करती हैं। इसका टायर का जो प्रोफाइल है एक इंच छोटा रहेगा दोस्तों, एलॉय व्हील 17 इंच के हैं और इसकी रिम 16 इंच का मिल रहा है, और थिकनेस का ही फर्क है टायर का। तो आपको टेम्परेरी यूज के ही तौर पर आप इसको इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, तो ये चीज जरूर देखने को मिलेगी आपको। तो एक बार इसका स्पेस दिखाते हैं आपको, 2585 mm का व्हील बेस मिलता है दोस्तों, सेगमेंट में थोड़ा सा कम है, आमतौर पर सेगमेंट गाड़ी आपको 26 mm का व्हील बेस देती है, लेकिन एक्चुअल में कितना फर्क पड़ता है वो देखते हैं। सबसे पहले डोर वगैरह की बात देख लीजिए आप, लेदर फिनिशिंग मिलती है, कहते ये कहाँ से बेस मॉडल लगेगा दोस्तों, ये आइवरी शेड का दिया गया है, सभी पावर विंडो बेस मॉडल से आपको डोर ओपनिंग हैंडल सिल्वर फिनिश में दिए गए हैं, या फिर एक स्ट्रिप भी है सिल्वर फिनिश के साथ, और 1 लीटर तक की बोतल बैठने के लिए स्पेस भी ठीक ठाक दिया गया है। एक इसमें मिस रहेगा, बेस के दोनों इवेंट जो कंपेयर कर रहा हूँ उसमें सिर्फ 2 स्पीकर और 2 ट्विटर मिलेंगे आपको, पीछे वाली विंडो में स्पीकर नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग की है एमजी ने। और ये देखिए, ये स्पेस देखिए, आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से मैंने एडजस्ट कर रखी है, मेरी हाइट 5'10" है रेफरेंस के लिए। तो ये नी स्पेस देखिए आपको कितना शानदार नी स्पेस मिलता है, और सीट के नीचे भी जगह है तो पैर इस तरीके से स्ट्रेच करके बैठ सकता हूँ मैं। अंडर थाई स्पेस वगैरह अगर बहुत लंबे आप 6 फुट से तो थोड़ा सा कम महसूस हो सकता है, मेरी हाइट तक ये परफेक्ट है। और परफेक्ट ये क्या चीज़ है, रिक्लाइन एंगल बहुत कंफर्टेबली बैठा दोस्तों, अच्छी खासी कुशनिंग है, बोस्टिंग बहुत शानदार है सीटों की, लेकिन जो कि विड्थ थोड़ी सी कम है गाड़ी की, तो 2 बंदे और एक छोटा बच्चा ही ठीक ठाक तरीके से बैठ सकता है, ना तो गृह युद्ध होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। उसके बाद एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं मुझे पीछे, तो सेफ्टी के लिए अच्छी बात है, लेकिन बीच वाले बंदे के लिए किसी प्रकार का हेडरेस्ट नहीं दिया गया, ये मिस आउट रहेगा। और क्या चीज़ अच्छी है, सभी बंदों के लिए इंडिविजुअल आपको सीट बेल्ट मिलती है, और बीच में अगर कोई बंदा नहीं बैठा है तो इस शानदार चीज़ का आप लुत्फ उठा सकते हो, क्या है, कप होल्डर आर्म रेस्ट, दोनों चीज़ें मिल रही हैं आपको। और कितने अच्छे तरीके से फ्लैप वगैरह दे रखा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी देखिए, प्रीमियम सेगमेंट की जो 2 सेगमेंट ऊपरी गाड़ी है ना उससे ही बेहतर फील होगी आपको, जो फिट एंड फिनिश है ये बात मानने की, कमेंडेबल जॉब, हेड्स ऑफ जाता है जी एमजी के लिए। पीछे एसी वेंट्स मिल रहे हैं आपको अपने लिए, लेकिन चार्जिंग पॉइंट वगैरह मिसिंग रहेगा बेस मॉडल में, स्प्रिंट में ये चीज़ जरूर है दोस्तों। मैगजीन होल्डर वगैरह मिल रहा है आपको, और ये दोनों सीटों के पीछे मिल रहा है, तो पीछे का अनुभव बड़ा ही शानदार है, बेस मॉडल कहीं से लगता ही नहीं है दोस्तों, ये इतना अच्छा फील गुड फैक्टर है। अब लेके चलते हैं आपको आगे वाली सीटों में, इससे पहले बेस मॉडल से ऊपर वाला जो वेरियंट है उसकी पीछे की सीट और दिखा दो एक बार, कोई फीचर वगैरह एक्स्ट्रा तो नहीं है, क्योंकि स्पेस तो ऑलमोस्ट हम सबको पता है कि सेम ही होता है। तो चलिए वहाँ लेके चलते हैं आपको। अब ये चीज़ें सेम टू सेम है जैसे बेस मॉडल में थी, बिल्कुल वैसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको, सेम लेदर वगैरह इस्तेमाल किया गया है, सेम फैब्रिक है, कुछ नहीं वगैरह। यहाँ पर भी बीच में आर्मरेस्ट जो है मिसिंग है, माफ़ कीजिए हेडरेस्ट मिसिंग, आर्मरेस्ट तो मिलेगा खैर, और एडजस्टेबल है 2 बंदों के लिए। और इसकी क्वालिटी देखिए, आइसोफिक्स साइड माउंट्स वगैरह स्टैंडर्ड है, इसकी क्वालिटी देखिए नज़दीक से दिखा रहा हूँ मैं आपको, कितनी शानदार है दोस्तों। यहाँ पर यह चीज़ एक्स्ट्रा है, आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं 2-2, वहाँ एक भी नहीं मिला था, यहाँ 2 मिल रहे हैं, तो ये चीज़ का फर्क है। पीछे बैठे हुए बंदे, आजकल गैजेट्स का ज़माना है तो इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। बाकी चीज़ सेम टू सेम रहेंगे, एयरबैग्स वगैरह सेम ही मिल रहे हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा वगैरह आपको सेफ्टी फीचर वगैरह नहीं मिलता है। अब आगे वाली सीट पे लेके चलते हैं जहाँ पर ज़्यादातर समय आपका गुजरेगा। इस गाड़ी में प्रीमियमनेस भर भर के दे रखी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसे 2 सेगमेंट ऊपर गाड़ी भी ऐसी प्रीमियमनेस आपको ऑफर नहीं करती है। तो ये बेस मॉडल है देखिए, सभी डोर मैंने बताया क्रोम फिनिश के साथ मिलते हैं। यहाँ पर लेदर का इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से किया गया है, चारों पावर विंडो रहेंगे आपकी, ये देखिए लोकल लोग के लिए बटन, बीच में एक लाइट जलती है ब्लू कलर की, बड़े बेहतरीन तरीके से। और बेस मॉडल से इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलती है ओआरयूएम के लिए आपको, यहाँ से हुड और फ्यूल कैप ओपन करने के लिए लीवर दिए गए हैं, डेड पेडल तो नहीं मिलता है लेकिन पेडल के बीच की स्पेसिंग अच्छी है। और बेस मॉडल से आपको ड्राइवर सीट हाइट के लिए एडजस्टेबल मिल रही है, ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मेरे हिसाब से दोस्तों। और जो चाबी है बेस मॉडल में आप देखिए,
दोनों ही रिमोट वाली चाबियां मिल रही हैं, लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए बटन है दोस्तों। ओपन होता अनलॉक होता है मतलब उठेगा तो नहीं अपने आप से, वो इस तरीके से फ्लिप की रहेगी। इसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है, वाह भाई वाह, मजा आ जाता है बिल्कुल। अब बैठ के अंदर से एक्सप्लोर करते हैं बाकी चीज़ें और इसकी रिफाइनमेंट वगैरह चेक करता हूँ आपको, तो गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। रिफाइनमेंट बहुत ज़बरदस्त है, रिफाइनमेंट में कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। दो नंबर फैन स्पीड पे एसी समय चल रहा है, ऑटो एसी मिलता है जैसे कि आप लिखा हुआ देख भी रहे हैं। हल्की फुल्की आवाज़ तो खैर आती है दोस्तों फैन स्पीड की, लेकिन पहले और चीज़ें बात करते हैं। पूरा डैशबोर्ड सॉफ्ट है बेस मॉडल होने के बावजूद भी, और डैशबोर्ड में नीचे भी लेदर का काम किया गया पूरे तरीके से। स्टेयरिंग व्हील भी लेदर रैप मिलता है आपको, रिफाइनमेंट में बता चुका हूँ ज़बरदस्त है। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट कस्टम मिलता है बेस मॉडल में आपको। जो टैकोमीटर है स्पीडोमीटर है वो एनालॉग रहेंगे आपकी, बाकी इंजन टेम्परेचर वगैरह और बाकी जानकारी हो सारी बीच में आईडी वगैरह में शो होती है बड़े बेहतरीन तरीके से। इसको कंट्रोल कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं जी, देखिए मजा आ जाएगा एकदम। डिस्टेंस टू एमटी माइलेज वगैरह, स्टेयरिंग व्हील आप देखिए, इधर आपके एमआईडी कंट्रोल करने के लिए, इधर म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है, टेलीफोनिक कंट्रोल भी है। और बेस मॉडल में आपको टिल्ट स्पॉट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा ये, और अल्ट्रा स्मूथ है दोस्तों स्टेयरिंग व्हील, जैसे बता रहा हूँ ना मजा आ जाएगा एकदम। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, चीज़ें बार बार जोर दे रहा हूँ मैं। इधर आपके वाइपर वाशर के कंट्रोल हैं, इधर आपके हेडलाइट के कंट्रोल रहेंगे, ये पूरे तरीके से टच मिलता है आपको। इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह ठीक है, मैं तो नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन अच्छी बात यह कि साथ में मैनुअल बटन भी दिए गए हैं, अच्छे तरीके से असिस्ट करते हैं वो। कोई जानकारी वगैरह लेनी हो एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले से भी आप चला सकते हैं, इसमें मेंशन भी कर रखा है ये देखिए इधर। और स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हैं, अगर रात वगैरह समय ड्राइव करते समय आपको कोई रिफ्लेक्शन वगैरह दिक्कत महसूस हो रही है, बाहर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस है इस समय, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है दोस्तों, सपोर्ट जरूर देना। दो एयरबैग मिलते हैं जिसमें मैंने बताया सेफ्टी के लिए, ABS EBD वगैरह सभी चीज़ें मिल रही हैं आपको, और बिल्ड क्वालिटी भी जो मेटल सीट की बड़ी शानदार है। 12 वोल्ट का नीचे सॉकेट मिलता है, चार्जिंग पॉइंट और स्क्रीन मिरर वगैरह करने के लिए आपका एंड्रॉइड टाइप का चलाने के लिए ये टाइप के दो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल, ESP ऑफ करने के लिए डेडिकेटेड बटन है, इस तरीके से गियरबॉक्स है, ठीक ठाक स्मूथनेस है इसकी दोस्तों। अगर आपको रिवर्स गियर लगाना तो नीचे डिप करके इस तरीके से लगेगा। कैमरा नहीं मिलता है बेस मॉडल में, इस तरीके से आपको पीछे दीवार 9.7 मीटर दूर है तो वो चीज़ बता रही है। देखिए अच्छा डिस्प्ले दोस्तों ये भी, इस बात में कोई शंका नहीं है। यहाँ पर भी लेदर वगैरह इस्तेमाल किया गया बड़े अच्छे तरीके से। मैनुअल हैंड ब्रेक रहेगा इस तरीके से, आपको आगे स्लाइड नहीं होता आम बेस्टी, लेकिन लेदर का काम अच्छे तरीके से किया गया इस पर, छोटा मोटा स्पेस भी नीचे, ये देखिए इस तरीके से एसी वेंट्स अच्छे तरीके से प्लेस किए गए हैं, सीधे चेहरे के ऊपर हवा भेजते हैं तो गर्मी वगैरह महसूस नहीं करते। एसी इसका ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा है इतने टेम्परेचर में भी, तो वो चीज़ है। जो ग्लोव बॉक्स है कूलिंग वगैरह नहीं मिलेगी उसमें, लेकिन उसकी डेप्थ डिसेंट रहेगी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए। ये साइड बॉसिंग देखिए थाई के लिए भी, शोल्डर के लिए भी, सीटें इसकी वन ऑफ द बेस्ट है सेगमेंट में, बहुत ज़बरदस्त कुछ नहीं है भाई, मज़ा आ जाता है एकदम। थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो मैनुअल IRV में रहेगा, इस तरीके से टॉगल दिया गया है। ये कैबिन की लाइटें आपके LED मिल रही हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये ब्लूटूथ के लिए माइक रहेगा। वैनिटी मिरर वगैरह सनवाइजर पर नहीं है, टिकट होल्डर मिलता है बस आपको, तो चीज़ मिसिंग रहेगी। या डैश कैम वगैरह इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो फंक्शन के लिए यहाँ पर भी एक पॉइंट दे रखा है आपके। तो अटेंशन टू डिटेल तो भाई आला दर्जे की इसमें दी गई है, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा कुछ फीचर वगैरह इसमें मिसिंग है। ये देखिए आपका AC का पूरा लेआउट लेके आ जाएगा भाई, एयर फ्लो की डायरेक्शन वगैरह, उसकी सर्कुलेशन, फैन स्पीड वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, ये देखिए इस तरीके से काम करता है ये टच ऑफ बटन। वाह भाई वाह, चीज़ें हों तो ऐसी हों दोस्तों। अब लेके चलते हैं इससे ऊपर वाले वेरियंट में, क्या कुछ उसमें फीचर फंक्शन एक्स्ट्रा मिलते हैं देखते हैं। तो ये रिक्वे सेंसर मतलब कीलेस एंट्री को सपोर्ट करता है शाइन वेरिएंट, ये पहला एक लग्जरियस फीचर मिलता है आपको। बाकी चीज़ें ये सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, चाहे बेस मोड लीजिए बेस के ऊपर ले लीजिए। ये सिर्फ मिरर जो है ORVM जिसे बोलते हैं वो सिर्फ एडजस्ट इलेक्ट्रिकली होंगे, फोल्ड ऑन फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। ड्राइवर सीट यहाँ भी हाइट के लिए एडजस्टेबल मिलती है आपको, ये भी देखिए बटन सेम मिलते हैं। डेड पेडल वगैरह यहाँ पर मिसिंग रहेगा, तो अब अंदर बैठते हैं गाड़ी के और यहाँ से देखते हैं और क्या चीज़ का फर्क है। जैसे मैंने बताया था कीलेस एंट्री को सपोर्ट करता है, तो अंदर भी आपको पुश बटन स्टार्ट देखने को मिलेगा। तो गाड़ी का हमने स्टार्ट कर दिया है जी, और एक बार AC वाले पैनल को ओपन कर लेते हैं इसके को, और AC स्टार्ट कर देते हैं अपना। तो AC मैंने स्टार्ट कर दिया है इस समय पे, दो नंबर पे इसकी कर लेते हैं।
एयर प्यूरिफिकेशन मिलती है आपको। 2.5 mm का जो है ना पर्टिकुलेट मैटर का साइज है दोस्तों, उसको फिल्टर करता है ये। तो चीज़ पूरी तरीके से MID पूरी सेम टू सेम रहेगी, MID में कोई भी फर्क नहीं है आपका, सेम डिस्प्ले वगैरह है, यहाँ से जानकारी वगैरह चीज़ें मिलती है आपको। ये जो जानकारी है ना इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वगैरह ये चीज़ें, ये आपको बेस मॉडल में शो नहीं हो रही थी दोस्तों, यहाँ पर शो हो रही हैं, तो ये चीज़ ज़रूर है। ये देखिए ट्रिप वगैरह, डिस्टेंस टू MT, करंट स्पीड, ये चीज़ें। तो बेस मॉडल में आपको डिस्टेंस टू MT रेंज वगैरह ये वाली चीज़ें मिसिंग रहेंगी। तो ये फीचर ये है दोस्तों, मुझे तो देखो इनकी कीमत लगती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल फैसला है। और बाकी चीज़ें ये सेम टू सेम है। अच्छा हॉर्न मिलता है आपको बड़े शानदार आवाज़ के साथ। ये देखिए आपके ये नीचे एक लीवर देख रहे हैं ये वाला, ये क्रूज कंट्रोल में लग जाता है आपको शाइन वेरिएंट से। ये बाकी ये आपके हेडलैम्प के कंट्रोल वगैरह, ये वाइपर वाशर कंट्रोल, ये सेम टू सेम रहेंगे। उसके बाद लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील वगैरह सेम टू सेम, और बड़ा बटर स्मूथ स्टीयरिंग व्हील है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा एकदम आपको। क्रूज कंट्रोल एक यूनिक चीज़ है, बाकी ये सेम टू सेम वैसा ही मिलता है आपको, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। जो पूरा टच पैनल है, फीचर्स वगैरह आपको सेम टू सेम, गेस्चर कंट्रोल तो नहीं है एक बार ऐसा लगा मुझे। और चीज़ें क्या फ़र्क है, एक फ़र्क और दिखा देता हूँ, ये देखिए रिवर्स गियर लगाता हूँ आपको, कैमरा मिलने लग जाता है दोस्तों इस वाले वेरिएंट से। जो गाइडलाइंस और ये मूव हो रही है तो डायनेमिक है, और इधर आपका दीवार से 97 सेंटीमीटर की दूरी है। तो चीज़ें, और कैमरे का डिस्प्ले ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो मैं बोलूँगा नहीं क्लियर है, लेकिन ठीक है दोस्तों, काम चल जाएगा आपका, तो चीज़ें रहेंगी। बाकी ये फीचर्स वगैरह सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। डिसेंट और ESP ऑफ करने के लिए जो की फोब है, वो ये देखिए कैसा है, ऐसी की लेस मिलती है आपको, मतलब रिमोट वाली चाबी मिलती है, पूरी तरीके से फ्लिप की नहीं है, ये स्मार्ट की बोलते हैं इसको। बटन हालांकि वही सेम मिलेंगे आपको, क्योंकि बूस्ट बटन स्टार्टर है ना यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था, तो उसके लिए। और यहाँ पर रखा भी है की को, यहाँ पर रखो तो अच्छे तरीके से काम करेगी वो। बाकी यहाँ पर भी आर्मरेस्ट आपको स्लाइड वगैरह नहीं होता है, छोटा मोटा स्पेस है उसके नीचे। जैसे मैंने बताया है म्यूजिक सिस्टम दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलता है आपको, दो स्पीकर, दो ट्वीटर मिलते हैं। हालांकि पीछे डोर स्पीकर होता तो थोड़ा सा और बेटर होता, लेकिन नहीं दिया, क्या कर सकते हैं जी उसके लिए अब। और चीज़ें क्या है, ग्लो बॉक्स यहाँ पर भी सेम मिलता है आपको, कूलिंग वगैरह नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। सेम IRVM है, सेम कैबिन की लाइट LED मिलती है आपको। यहाँ पर भी वैनिटी मिरर वगैरह मिसिंग है, सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है आपको ड्राइवर साइड वाले सनवाइजर पे। तो अगर इंटीरियर की बात करें दोस्तों, एक तो क्रूज कंट्रोल का बड़ा बड़ा फर्क है, एक पुश बटन स्टार्ट का फर्क है, कैमरे का फर्क है, जो डिस्प्ले पाता है आपका, तो मेन तो फर्क यही है। लेकिन बाहर फोग लैंप, कीलेस एंट्री, इन चीज़ों का फर्क है, अलॉय व्हील, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक चार्जिंग पॉइंट पीछे वाली सीटों पर नहीं मिलते हैं, बेस मॉडल में यहाँ मिल रहे हैं आपको। तो इस प्रकार से कंपेरिजन वीडियो रहेगा दोस्तों। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।